तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इंसान कई बार अपने मन की करता है, वो नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। माना कि कई बार हम जैसा सोचते वैसा नहीं होता, मगर कई बार ऐसा भी होता है जो होता तो है पर वो वाकई में नहीं होता। तो ठीक, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपको इस ऑडियो को पूरा सुनना होगा, तब जाकर ही आप समझेंगे कि आखिर वो कौन था। मेरा नाम विष्णु है। यह कहानी आज से तकरीबन एक साल पहले की है, जब मैं अपनी नानी के यहां गया हुआ था। दरअसल मेरी नानी का घर मेरे घर से ज्यादा दूर तो नहीं है, यही कोई तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। वहां हर साल अक्टूबर के महीने में एक मेला लगता है, जिस मेले में वहां के स्थानीय लोग काली मां की पूजा आराधना करते हैं। बस इसी मेले में मैंने जाने का सोचा। पहले बचपन में मैं हर साल इस मेले में जाया करता था, पर फिलहाल मैं तकरीबन 10 सालों से इस मेले में नहीं गया था। मैंने सुबह इस बारे में अपनी मां से बातें की। मैंने उन्हें बताया कि आज मैं नानी के घर जाना चाहता हूं। मेरी मां ने कहा, अगर तुझे जाना है तो जा, पर हां, अगर ज्यादा शाम को देर हो जाए तो वापस मत आना, वहीं रुक जाना, क्योंकि रात को उस सड़क से सफर करना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, मैंने मां की इस बात को हवा में उड़ा दिया, जैसे कि मैं हमेशा किया करता था। मैंने ठीक तैयार होकर अपनी बाइक को निकाला, बस फिर क्या, चल दिया नानी के घर। मेरे घर से नानी के घर के बीच एक रास्ता पड़ता था, जिसका नाम यहां के स्थानीय लोगों ने सतपुलवा दिया था, क्योंकि वहां पर कुल 7 पुल बने हुए थे। बस इसी के बगल से एक सड़क मेरे नानी के घर तक जाती है। खैर, जब मैं उस पुल के पास से गुजर रहा था तो मैंने काफी अजीब चीज नोटिस की, जैसे कि वहां से काफी अजीब सी गंध आ रही थी। मैं पूरे रास्ते को ध्यान से देखता हुआ जा रहा था। जब मैंने ठीक से देखा तो सड़क के किनारे कई जानवर मरे पड़े थे, और तो और उनके शरीर पर कीड़े लगे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जानवर उठाने वाली गाड़ियों ने सारे जानवरों को यहां पर लाकर फेंक दिया, या हो सकता है कि शायद किसी ने गाड़ी से उसे टक्कर मारी हो। दोस्तों, पर मैंने एक चीज नोटिस की कि जहां जानवर मरे हुए थे उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई जख्म नहीं था। मुझे ये काफी अजीब लगा। बस यही बात सोचते हुए मैं अपनी नानी के घर तक आ पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने दोपहर का खाना खाया और मेले के बारे में बात करने लगा। बात करते करते अचानक से मेरे मन में उन्हीं जानवरों का ख्याल आया, तो मैंने नानी से इस बारे में पूछा। पहले तो नानी मेरी बातों से थोड़ा टेंशन में आ गई, फिर नानी ने बताया कि हो सकता है कि शायद किसी गाड़ी ने उन जानवरों को ऐसा हाल किया होगा, और वैसे भी तुझे इन सब चीजों से क्या लेना है। दोस्तों, उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। पर इससे पहले कि मैं आगे कुछ पूछता, नानी ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि छोड़ो ये सब बातें और तैयार हो जाओ, और हाँ, शाम 7 बजे से पहले मेला खत्म हो जाता है। वहां सभी लोग 7 बजे से पहले ही उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। मैंने नानी से तुरंत पूछा, ऐसा क्यों? जिस पर नानी ने बस ऐसे ही कहकर टाल दिया। खैर, मैंने पूरा दिन मेले में अच्छे से बिताया, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। अब तक शाम भी हो चुकी थी। सच बताऊं तो मेरा वैसे मन नहीं भरा था, पर मैंने देखा कि सारे लोग मेले से एक के बाद एक निकलते रहे। देखते ही देखते भीड़ कहीं गायब हो गई, पता ही नहीं चला। नानी ने मुझसे भी घर चलने को कहा, पर मैंने जिद की, मुझे थोड़ी देर और रुकना है। पर ये क्या, धीरे धीरे पूरा मेला बंद होने लगा और शाम ढलती जा रही थी। बस यही वजह थी मैं नानी की बात मानते हुए वापस घर आ गया। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। मैं नानी के साथ बैठकर बातें करने लगा। गांव की बातें करने लगा। बातों ही बातों में कब एक घंटा बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने नानी से कहा, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरी बात सुनकर नानी के चेहरे से मानो जैसे रंगत ही उड़ गई हो। वो कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है जाने की, आज यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। मैंने नानी को समझाते हुए कहा कि नानी, मुझे सुबह कुछ काम है, मुझे अभी और इसी वक्त जाना होगा। नानी ने कहा कि मैंने बोल दिया, आज यहीं सो जाओ, अब कोई बहस नहीं। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं थोड़ा मायूस तो हुआ, पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला। वैसे भी रात को यहां सोने पर न जाने कितने मच्छर काटते हैं।
मैंने चुपके से अपनी बाइक की चाबी को लिया। मैंने नानी से कहा कि मैं यहीं से कुछ देर में आ रहा हूं। नानी ने पीछे से पूछा, कहां जा रहा है? पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चुपके से अपनी बाइक को बिना स्टार्ट किए थोड़ी दूरी तक लेकर गया। मैं चाहता था नानी को बाइक की आवाज ना आए। मैं चुपचाप वहां से निकल पड़ा। मैं ठीक अपने रास्ते की ओर बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर नानी को बस एक कॉल कर दूंगा कि मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, आप चिंता मत करना। मैं चलता रहा और ठीक उस सतपुलवा पर आ पहुंचा। मैंने देखा कि आगे इस रास्ते पर कहीं लाइट नहीं है। अब मुझे संभल कर जाना होगा। मेरे पास बस एक ही जरिया है और वो है मेरी बाइक की हेडलाइट। बस मैं यही सोचकर चलता चला जा रहा था। चलते चलते अचानक से मेरी बाइक में कुछ खराबी आ गई। मैं जब तक कुछ समझ पाता मेरी बाइक बंद हो गई। मैं बाइक से उतरकर खड़ा हुआ। मैं साफ साफ देख रहा था कि अब मेरे आसपास दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और तो और मेरी बाइक जहां खराब हुई उस जगह से मेरा घर तकरीबन 6 किलोमीटर दूर था। लेकिन 6 किलोमीटर दूर इस बंद बाइक को लेकर जाना मुझे बहुत सा लग रहा था। खैर, मैंने बाइक को ठीक करने की काफी कोशिश की पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं एकदम से निराश हो गया और खुद को कोसने लगा। अब मुझे नानी की याद आ रही थी। वो एकदम ठीक कह रही थी, मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। दोस्तों, मेरा ध्यान मेरी बाइक की तरफ था, लेकिन एक चीज जो कि मेरे कानों पर बार बार पड़ रही थी, हाँ, कुछ तो आवाज आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि ये तो जानवरों की आवाज है जो कि काफी शोर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी समझ में आया कि ये तो वही जगह है जहां सुबह मैंने मरे हुए जानवरों को देखा था। मैंने अपने फोन की लाइट को ऑन करके देखा कि इस वक्त उस जगह पर कोई भी जानवर नहीं था। मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि जो जानवर मैंने दिन में देखे थे वो इस वक्त सारे के सारे जिंदा थे। एक बार को तो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद कोई दूसरे जानवर होंगे, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैंने उनके शरीर पर उन्हीं कीड़ों को नोटिस किया जिससे मैं समझ गया कि ये सुबह वाले ही जानवर हैं। सच कहूं तो ये सब देखकर मुझे अब डर लग रहा था। उसी बीच मुझे एक परछाई दिखाई दी। मैंने तुरंत उसी तरफ फोन की फ्लैशलाइट की, पर परछाई कहीं गायब सी हो गई थी। एक पल के लिए लगा कि शायद मेरा वहम था। मैं लगातार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने फोन से कॉल करने की भी कोशिश की पर कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था। इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि जो आवाज मेरे सामने से आ रही थी वो एक अजीब सी डरावनी सी आवाज थी। उसे सुनकर मैं काफी डर गया। मैंने डर के मारे अपनी आंखों को बंद किया और माँ काली को याद करने लगा। दोस्तों, मैं इन सबसे इतना डर गया था कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। वो अजीब सी आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में मुझे एक कार दिखाई दी जो कि नानी के घर के बगल से आ रही थी। उस कार को देखकर मैं अचानक बहुत खुश हो गया। जब कार ठीक मेरे पास तक पहुंची तो मैं एकदम से उस कार के सामने आ गया। मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा था जिस पर उस कार के अंदर से एक आदमी निकला। वो मुझसे पूछने लगा कि बेटा क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मैं बहुत सहमा हुआ था। उस आदमी को देखकर मेरी आंखों में जैसे उम्मीद की एक नई किरण आ गई थी। मैंने उस आदमी को अपनी पूरी कंडीशन बताई जिस पर उस आदमी ने कहा कि बस इतनी सी बात, अभी ठीक के देता हूं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि कुछ तो था उस आदमी के हाथों में। उसने जैसे ही मेरी बाइक का सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाया, यकीन मानो मेरी बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई। मैं ये सब देखकर काफी खुश हुआ और तुरंत जाकर बाइक पर बैठ गया। वो आदमी मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। इसके बाद हम दोनों साथ साथ बात करते हुए उस रास्ते को खत्म करके शहर तक आ गए। शहर में कई सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे। वो आदमी भी ठीक अपनी गाड़ी को रोककर एक जगह खड़ा हो गया। मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ, आगे नहीं जाना? उसने कहा कि अब आगे नहीं जाऊंगा, मेरा काम बस यहीं तक था। दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल था, इसीलिए मैंने उस आदमी से पूछा। मैंने उनसे कहा कि क्या आपको उस रास्ते के बारे में पता है? मैंने आज सुबह वहां कुछ जानवरों को मरा हुआ देखा, पर जब अभी मैं वापस आ रहा था तो वही जानवर मुझे वापस से दिखे। दोस्तों, उस आदमी ने पहले तो थोड़ी चुप्पी साधी और फिर धीरे से बोला कि उस रास्ते पे बहुत सालों पहले एक औरत को
शाम के समय कुछ लोगों ने जान से मार दिया। बस तब से लेकर आज तक जो कोई भी उस रास्ते से आता जाता है वो उसे छोड़ती नहीं है। दोस्तों, मैंने तुरंत उन जानवरों के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि वो सारे जानवर दरअसल वही इंसान है जिन्होंने उस औरत को जान से मारा था। कहते हैं कि वो औरत सबको मारकर जानवरों में बदल देती है, और ठीक जब वो किसी का शिकार करती है तो वो हर उस आदमी के शरीर को इन्हीं जानवरों को खिला देती है। ये सारी बातें सुनकर मैं सारा माजरा समझ चुका था कि आखिर क्यों मेले से सारे लोग 7 बजे से पहले गायब हो गए। आखिर कुछ तो बात होगी। इसके बाद उस इंसान ने कहा कि अब जाओ, और मैं भी चला। मैंने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करी और थोड़ी आगे पहुंचा। कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने एक से पूछा कि क्या हुआ चाचा। चाचा ने जवाब दिया कि तुम अकेले में काहे बड़बड़ा रहे हो। चाचा की बात सुनकर मुझे लगा कि अब इनको क्या हुआ। मैंने कहा, मैं तो उस इंसान से बातें कर रहा था। दोस्तों, मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, ना कोई आदमी और ना ही कोई कार। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं चुपचाप वहां से निकल गया और घर जाकर माँ को ये सारी बातें बताई। इसके बाद माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि वो तो भला हो माँ काली का, वरना आज तो तू मर ही जाता। दोस्तों, उस दिन मैं इतना डर गया था कि मैं अपने घर के मंदिर में ही सो गया, क्योंकि मुझे लगातार बस डर ही लग रहा था। सच कहूं तो आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूं तो एक अजीब सी सहरन दौड़ जाती है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरे सामने जो कुछ भी होता रहता है कहीं वो छलावा तो नहीं। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।